चलिए वक्त हो चला है मिलने का हमारे खास हमसफरों से। मैं जानती हूँ आपको उनके मिलने का बेसब्री से इंतजार है, तो चलिए ले चलते हैं आपको उनसे मिलाने के लिए। ये लोग खाना खा रहे हैं, तो बता देता है खाने में क्या क्या है। पहले मेरे को तो अच्छी स्मेल आ रही है। ऐसी जो हमारे आगे जो फीमेल वर्जन ऑफ बादशाह बैठी है, उन्होंने एक पिकनिक बास्केट पैक किया था जिसमें हर तरह की चीज़ें थी। कैंडीज़ के सैंडविचेस थे, मिनी पंजाब के कबाब्स थे, चकली थी, सोया क्या क्या थे, चकली, चूड़ा, गोट पापड़ी, थेपला, फाफड़ा, खाकरा, चिक्की फ्रॉम लोनावला। आप भी खाने के काफ़ी शौकीन हैं, हमें पता है, तो आपकी कोई स्पेशलिटी स्पेशली पैक करवाया हो या बोला हो, बोला हो दीपिका? नहीं, मैं इनको ट्रस्ट करता हूँ, इन्होंने हर तरह का सामान लाया। अभी तो हमको 10% ही पता चला है, अभी धीरे धीरे हमें सुबह तक पता चलेगा कि क्या रेंज है। आपके शो में जाहिर करना चाहूँगा कि इम्तियाज अली को लगता है कि चिकन जो है वो वेजिटेरियन डिश है, तो वो चिकन खाते नहीं है। वो कुछ भी करेंगे लेकिन चिकन नहीं खाएंगे। तो चिकन वेजिटेरियन डिश है, ये तो हमने पहली बार सुना है। चिकन इस दुनिया के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है जिसके बारे में धीरे धीरे लोग समझ पाएंगे। करेक्ट। देखिए मैं वेज खा रहा हूँ, एक गिरा दिया मैंने, मैं इसको उठा के 22nd रोड से। नो, आपको पता है, अभी मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, मगर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अमेरिका में खाना बनाती हैं, चेन्स, बट दे कांट इवन कॉल देमसेल्व्स देयर ओन नेम्स बिकॉज व्हाट दे सर्व इज कैनॉट बी क्वालिफाइड एज चिकन बिकॉज दे हैव मेस्ड अप विद द डीएनए ऑफ द चिकन सो बैडली दैट इट्स नॉट चिकन एनीमोर। सर एक बात बोलो, जो मनीष मल्होत्रा जो चिकन के कुर्ते बनाता है वो कौन सा चिकन है सर? लखनऊ के चिकन। तो चिकन फ्रॉम लखनऊ, बट व्हाई इज इट कॉल्ड चिकन सर? सर ये आपको पता है ना लड़कियों को क्या बोलते हैं कभी कभी, अश्लील लोग क्या बोलते हैं, हम जैसे और आप जैसे? नहीं नहीं, टोटा नहीं। नहीं सर, वो तो चिक। उस वजह से मनीष मल्होत्रा जो बनाते हैं, जो लखनऊ में बनता है, उसको वो कहते हैं, क्योंकि अक्सर लड़कियां पहनती हैं। चाहूंगी, जब आप मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे आए थे, एक रेलवे स्टेशन का जो माहौल रहता है एकदम भीड़ भाड़ का, धक्का मुक्की का, रणवीर सर आप पहली बार ट्रेन से सफर कर रहे हैं, तो थोड़ा डर लग रहा था या किस तरह का फीलिंग था जब आप वहाँ स्टेशन पे उतरे और इतने सारे लोग घेरे हैं और आप ट्रेन में अंदर आ रहे? एक्साइटमेंट ही थी, और मैंने और दीपिका ने ये जवानी है दीवानी है इसी स्टेशन पे शूट किए थे। हम 4-5 दिन यहाँ शूट हमने किया है और अच्छा लगता है, यू नो, जब भी लोग होते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हमें, यू नो, हमारा हाथ छूने के लिए, हमारा नाम चलाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है। दीपिका आपका कैसा रहा? बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है और बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार देते हैं हमको, हमें देखने के लिए एक दूसरे को धक्का मारते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, पर बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आगे जाके हम और अच्छा काम करें। सफ़र की बात की जाए तो कोई ऐसा यादगार सफ़र रहा है आप लोगों का जो अभी आप बताना चाहेंगे? इस दौरान जब मैं आपके सामने ऐसे बैठा हूँ ट्रेन में और आपके चैनल से बात कर रहा हूँ, ये सफ़र बहुत ही सफ़रनामा प्रूव हो रहा है मेरे लाइफ में। यू नो, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, बहुत अलग अलग, बहुत अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग देशों में, बट इस किस्म का और इस नज़दीकी का जो सफ़रनामा हो रहा है वो मेरे लिए बहुत अहम और बहुत अद्भुत रहा है। ये इंटरव्यू कहीं और ही जा रहा है, इसलिए हम वापस आते हैं। अभी हम फिलहाल कोटा जा रहे हैं। कोटा जा रहे हैं, 2:30 बजे उतरेंगे वहाँ पर मुझे बताइए दीपिका, अभी तक का आपका ये ट्रेन का सफर तमाशा की टीम के साथ कैसा रहा? बहुत ही मज़ेदार, और यही मैं चाहती थी कि जब हम साथ चलेंगे, इस ट्रेन में बैठेंगे, हम साथ खाना खाएंगे, हम साथ गाना गाएंगे। गाना तो मैंने सुना नहीं अभी तक, कि अभी आने गाएंगे। हाँ, तो गाएंगे डिनर के बाद
आप किसके साथ फिल्म कर रहे हो सर? विच इज अनुष्का ऐश्वर्या एंड डायरेक्टेड बाय करण जौहर. और तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, यही आप सोच रही थी ऐसा ही? हाँ, तो मतलब यही इंटेंशन था मेरा. और जब हम इम्तियाज़ के साथ काम करते हैं तो बहुत ट्रैवल के बारे में हम बात करते हैं. और ही टोल्ड अस मैनी स्टोरीज अबाउट जब वो ट्रेन में जाते थे. तो और मैं भी बहुत ट्रेन में घूमी हूँ. जब मैं स्टेट टीम में थी, मैं बैडमिंटन खेलती थी, तो मैं भी गई हूँ बहुत ट्रेन में. सो वी बोथ वॉन्टेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद रणबीर, क्योंकि रणबीर कभी ट्रेन में गए नहीं हैं. तो हम चाहते थे कि हम तीनों साथ में ट्रैवल करें और आप लोगों को भी साथ लेके जाएं. कुछ मटर गस्ती हुई कि नहीं हुई अभी तक? अभी हो रहा है, अभी हो रहा मेरे सामने. नहीं, मटर खा के जो गैस निकलती है सड़क पर, उसका मतलब वही होता है. तो अभी फिलहाल हमने अभी कुछ मटर मिला नहीं है. मटर गैस थी सड़क पे. अभी फिलहाल हुआ नहीं है वो. तो कुछ I just want to warn you that रणबीर को प्लीज आई कैन टेल हर राज को अच्छा नो बट मंगनी के पहले वो बोलना जरूरी है. शी हैज टू बी प्रिपेयर्ड. सॉरी आई कांट. Established in 1991. कौन से पूछे? नहीं, ये चीज आई दिल्ली से. ये एक्चुअली ये पहला जो एक थिएटर ग्रुप था. कट. 3 सेकंड नहीं दिखाऊंगा. ये कोशिश है कि हम इंटरव्यू रोक दें कि मतलब नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं. हम तो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू कीजिए, ताकि इस तरह का इंटरव्यू बने, ताकि लोग पहले तो इंटरव्यू देखें, उसके बाद हमारी फिल्म देखें, जो कि 27 नवंबर को रिलीज हो रही है इन अ थिएटर नियर यू. 27th. नहीं सर, उसके लिए वो भाई. ये तो मैं आपसे पूछना रह ही गया कि आपने. दर्शक जानते हैं कि रणबीर एक्टर है, मैं एक्ट्रेस हूँ, पर बहुत लोग ये नहीं जानते कि इम्तियाज अली एक एक्टर है. तो इनसे करवा लें. देखिए तारा तो अश्लील प्रदर्शन. इम्तियाज जी आपसे करवा लेते हैं. देव साहब की थोड़ी नकल. देव साहब की नकल मुझसे नहीं हो सके. किसी और की सही. Now with that, I'm sure you guys will be really interested in going and watching this movie, Tamasha. Anything, any last words would you like to say to our viewers? Baby. 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 I am going to watch. I am. Baby. पता चला है कि उस लाइट हाउस के पीछे आज रात तमाशा रिलीज होने वाली है 27 नवंबर को. जाके देखिएगा सिनेमा घरों में अपने फैमिली, उनके फैमिली और उनके भी फैमिली के साथ. बेबी बेबी बेबी. इसके बाद आपको कुछ और कहना है बेबी के अलावा? आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? बेबी. पता चला है कि उस लाइट हाउस के पीछे आज रात तमाशा रिलीज होने वाली है. और आप प्लीज जाके सिनेमा घरों में देखिए बेबी बेबी बेबी. अब तो देखना ही पड़ेगा. 27 नवंबर तमाशा. और हम आ पहुँचे हैं वडोदरा स्टेशन, जो कि एक पहला हॉल्ट है हमारी खूबसूरत सफ़र, जो बॉम्बे से दिल्ली हम चल रहे हैं. और हमारे पीछे आप देख सकते हैं वडोदरा स्टेशन पे कितनी भीड़ जमा हुई है एक झलक देखने के लिए दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की, जो अपनी फिल्म तमाशा के प्रमोशन के लिए इस
ट्रेन में हमारे साथ सफर करते आ रहे हैं, तो प्लीज़ जाइए और देखिए ये क्या तमाशा यहाँ पे हो रहा है, ताकि मैं जाके देखती हूँ कि यहाँ वडोदरा में कैसी भीड़ जमा है और क्या माहौल है यहाँ का। नई दिल्ली स्टेशन आ गया। और 18 घंटे के तमाशे का सफर पूरा हुआ। वेल, हमारी जर्नी की आखिरी मंजिल आ पहुंची है न्यू दिल्ली, और यहाँ पे एक खूबसूरत सफर का अंत होता है। हमें तो बहुत मजा आया, उम्मीद है कि आपको उतना ही मजा आया होगा जितना हमें आया। कैमरा पर्सन महेश चौहान के साथ मनीषा महलदार, आज तक के लिए। నిసగమ మనీపమ గ నిపమ నిపమ గ స నిపమ నిసపస జహాన్ తక్ యాద్ యాద్ ఆతీ రహే।